Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do third part of unit 2 block 1 MPCE 046, that is MAPC second year psychology students. This video is for you guys who have opted for applied positive psychology. So jinhone applied positive psychology yani ki MPCE 046 ko opt kiya hai, ye video unke liye hai. Ye block 1 hai, unit 2 hai aur यूनिट टू का थर्ड वीडियो है. दो वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुके हूँ और ये लास्ट वीडियो है इस यूनिट का. सो आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा आज. सो लेट अस अंडरस्टैंड असेसमेंट इन पॉजिटिव साइकोलॉजी. पॉजिटिव साइकोलॉजी में जब आप असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट मतलब जैसे टेस्टिंग वगैरह होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं. जब आप वो करते हैं तो इम्पॉर्टेंट गोल क्या होता है, हमें क्यों ज़रूरत है असेसमेंट करने की. तो हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट गोल ये है कि हम पॉजिटिव साइकोलॉजी के जो कंस्ट्रक्ट्स हैं उनको मेजर कर सके, उनको कैलकुलेटिव वे में, मैथमेटिकल वे में एनालाइज कर सके, जान सके कि क्या है, किस लेवल पे किसी की स्ट्रेंथ लाई करती है उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट में. सो मेन पॉजिटिव साइकोलॉजी में जो सबसे मेजर क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि गुड लाइफ क्या है, लाइफ को वर्थ लिविंग कैसे बनाया जाए, है ना. सो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वर्क करते हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स. जब इंटरनल फैक्टर्स की बात करते हैं तो इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो इंसान के अंदर ही मौजूद होते हैं, इंसान के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं. तो वो जैसे एक एग्जाम्पल हो गया कैरेक्टर स्ट्रेंथ इंटरनल फैक्टर्स का. एक्सटर्नल फैक्टर्स वो हैं जो उसके एनवायरनमेंट में है, जो उसके सराउंडिंग्स में है. सो हो सकता है उसका फैमिली समझ लो एक्सटर्नल फैक्टर में आ गया, या वो जिस माहौल में रहता है उसकी सोसाइटी, है ना. सो ये वाले एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे जो उससे बॉडी के अंदर नहीं है, बॉडी के बाहर है. ओके, सो नाउ हम आगे अगर बढ़ें तो इन्होंने ये भी हमें बताया है कि हम जब इनकी इसको मेजर करते हैं तब हम जब हमें पता चलता है कि उसका वो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट का लेवल कितना है तभी हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं. हमें पता चलेगा हमें कितना और वर्क करना है. सो असेसमेंट जो होता है जब भी हम किसी कंस्ट्रक्ट का करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी के वेलबींग का, क्योंकि हमें तभी तो पता चलेगा ना कि कैसे काम करना है उसके ऊपर. नाउ असेसमेंट में आगे बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है. जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ आपको एक और चीज़ बता दूँ. इस यूनिट से लिंक्ड जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. आप डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक करें तो आपको ये भी पता चल जाएगा इस टॉपिक, इस वीडियो में क्या क्या मैंने कवर किया है. और लास्ट मैंने इस तरह से बनाया कि सीक्वेंस में आपको लास्ट जो कार्ड दिखाई देता है जब ये वीडियो एंड होने वाला होता है उससे आपको इसके बाद कौन सा वीडियो वॉच करना है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं. तो दैट मीन्स मैंने एक पूरी चेन सीक्वेंस बनाया हुआ है जिससे आप आसानी से हर एक वीडियोज़ को एसेस कर पाएंगे सीक्वेंस के वे में. ओके, सो इस तरह से मैंने काम किया है. नाउ जहाँ जहाँ आपको पिंक हाईलाइट दिख रहा है मतलब वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको अच्छे से पढ़ना है उसको. नाउ जब हम साइकोलॉजिकल टेस्ट्स करते हैं, असेसमेंट प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं, तो उसको यूज़ करने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ें पता होना चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि हम क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन कैसे कर सकते हैं, क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन कैसे कर सकते हैं, एक गुड टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. हमें जब पूरा रिसर्च प्रोसेस जब हम फॉलो करते हैं तो वो किस तरह से रिसर्च प्रोसेस को डेवलप किया जाता है, डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा होता है रिसर्च इंस्ट्रूमेंट का, वो भी हमें पता होना चाहिए जो साइकोलॉजिकल टेस्ट की तरह आप यूज़ करने वाले हो. नाउ कमिंग टू ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दो रिसर्च मेथड्स के बारे में ऊपर इन्होंने टर्म यूज़ किया है, तो इसके बारे में इन्होंने और डिटेल दिया है, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ लेना. हाउएवर मैंने इसको अंडरलाइन नहीं किया बट मैं अभी कर सकती हूँ आपको पढ़ाते पढ़ाते कि क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में पूछ सकते हैं एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च की दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है. तो नाउ कमिंग टू क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटी से क्वांटिटेटिव बनाया यानी कि बहुत सारा, है ना. सो जिसे हम काउंट करते हैं, तो ये जो मेथड है क्वांटिटेटिव रिसर्च का, इसमें डाटा कलेक्शन जो होता है वो हम इस तरह से करते हैं कि जो क्वेश्चनेयर है, क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चनेयर हम अपने पार्टिसिपेंट्स को देते हैं वो प्री डिटर्मिंड होता है, यानी पहले से हम डिसाइड कर लेते हैं कौन से क्वेश्चन हम उसमें डालेंगे. हम उसको न्यूमेरिकल कैटेगरी में कैलकुलेट कर सकते हैं, हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं फॉर्म्स को. और ज़्यादातर इस तरह इसमें जो टाइप के साइकोलॉजिकल जो टेस्ट आते हैं वो किस तरह के होते हैं, क्वेश्चनेयर्स होते हैं,
स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, स्ट्रक्चर्ड मतलब जिसमें वेल सेट स्टेप्स होते हैं कि ये पूछना है, इसके बाद ये पूछना है, इसके बाद ये पूछना है, आप उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। एंड थर्ड इज ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऐसी चीज़ है जो क्वालिटेटिव में भी होता है, मतलब ऑब्जर्वेशन इज कॉमन टू बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, बट क्वांटिटेटिव में स्ट्रक्चर इंटरव्यू एंड क्वेश्चनेयर ये ऐसा है जो इसी का ही यूनिक कैरेक्टर है। तो क्वेश्चनेयर जैसे कि आपको नाम पता है, ये बहुत स्टैंडर्डाइज होना बहुत ज़रूरी है जब भी हम साइकोलॉजिकल टेस्ट की तरह इसको यूज़ कर रहे होते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जैसे मैंने कि बताया, फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो एक के बाद एक पूछे जाते हैं, उसमें हम आगे पीछे नहीं कर सकते। ऑब्जर्वेशन होता है कि जब आप कंट्रोल सेटिंग या फिर नेचुरल सेटिंग में किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। सो ये सारी चीज़ें प्री डिटर्मिंड होती हैं जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं। कमिंग टू क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव असेसमेंट में सब कुछ अनस्ट्रक्चर्ड होता है, बहुत फ्लैक्सीबल होता है। जब हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं एंड जो उसका रिस्पांस आता है पार्टिसिपेंट का, उसके बेसिस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप करते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप सेट ऑफ क्वेश्चंस को वैसे की वैसे ही रीड कर डालें, आप आगे पीछे कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सामने वाला किस तरह से आपको रिप्लाई कर रहा है। सो ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, ये वही है। तो ये बेसिकली एक इंटरव्यू की तरह प्रोसेस होता है अनस्ट्रक्चर्ड, जो क्वालिटेटिव की मैं बात कर रही हूँ। और एक पूरा हमारे पास, लेकिन एक बेसिक जो रिसर्चर होता है उसके पास बेसिक गाइडलाइंस तो होती हैं कि किस तरह से उसको प्रोसेस करना है और किस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं और किस तरह के नहीं पूछने हैं। तो बेसिकली इसमें अगर मैं बात करूँ किस तरह के क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो ये नरेटिव टाइप का होता है, फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है एंड केस स्टडी भी इसी में ही आता है क्वालिटेटिव में। सो ये अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ इन तीनों केसेस में हम ले सकते हैं। ऑब्जर्वेशन जैसे मैंने बताया था दोनों में आता है, और इसमें हम ऑब्जर्व एज अ पार्टिसिपेंट भी ऑब्जर्व करते हैं कर सकते हैं एंड नॉन पार्टिसिपेंट की तरह भी ऑब्जर्व कर सकते हैं जो भी हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं। पार्टिसिपेंट मतलब उनके बीच में रहना, उन्हीं के जैसा सब कुछ करना, एंड नॉन पार्टिसिपेंट मतलब उनको करने दो एंड आप दूर से देखो, ठीक है। सो ये दोनों तरीके से आप कर सकते हो। नाउ जैसे ही आप जब डाटा को दोनों में ही ये ऑब्जर्वेशन आता है, तो क्वांटिटेटिव अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो डाटा को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, उसको स्केल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जबकि क्वालिटेटिव की अप्रोच की बात करें, देखिए यहाँ पे फिर से इन्होंने ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव में डिफरेंस बता दिया है, तो आपको थोड़ा सा सिंसियरली रीड करना होगा क्योंकि ये बीच में मिक्स कर देते हैं, सेपरेशन प्रॉपर नहीं किया हुआ है। सो क्वालिटेटिव अप्रोच की अगर हम बात करें, तो डाटा को नरेटिव फॉर्म में या डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में मैंशन किया जाता है। सेकेंडरी सोर्सेज जो असेसमेंट मेथड के होते हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज मतलब जैसे उनके रिश्तेदारों से पूछताछ कर ली, उनके फ्रेंड से पूछताछ कर ली, ऐसी वाली चीज़ें, या फिर किसी रिलेटिव से पूछताछ कर ली। सो बहुत डॉक्यूमेंट्स जो भी हमें मिलते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, उसमें भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नाउ कमिंग टू टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया टूल, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया टूल्स बहुत यूज़फुल हो गए हैं आज के टाइम पे, क्योंकि पहले तो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया का नहीं था, अब है। तो रिसर्च पार्टिसिपेंट को बहुत सारा फ़ायदा हो जाता है। कैसे फ़ायदा हो जाता है? हमारा टाइम बच जाता है, हमें इधर उधर ज़्यादा लाइब्रेरीज़ के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, हमें कहीं भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, तो डिस्टेंस भी बच जाता है, अपनी एनर्जी भी बच जाती है, पैसा भी बच जाता है, डाटा कलेक्शन ईजी हो जाता है, इंटरवेंशन बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। आपने अगर अपने पार्टिसिपेंट के पास जाना नहीं पड़ता, उनको मेल कर दो, उनको बोल दो प्लीज़ भर के भेज देना, है ना, ऐसा भी किया जा सकता है। तो लोग गूगल फॉर्म बना लेते हैं रिसर्च के लिए, तो ये चीज़ें भी बहुत आसान हो जाती हैं। तो रिसर्च जो है वो जब भी आप करते हैं तो प्रॉपर रिसर्च डिज़ाइन होना बहुत ज़रूरी है, इट शुड बी रोबस्ट, और हमें एथिकल इश्यूज का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे समझने वाले हैं, ये रिसर्च डिज़ाइन कैसे रोबस्ट कौन सी होती है, साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसे अच्छे बनाए जा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ इन्होंने दी है। अब हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में बात करें, तो ये मेथड सबसे मेजरली यूज़ होने वाला मेथड है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, जिसमें हम क्वेश्चनेयर के थ्रू टेस्टिंग करते हैं एंड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जैसे मैंने बताया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, जिसको आप स्टडी करने के लिए अपनी स्टडी के में यूज़ करते हो। सो जो की आस्पेक्ट होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट के, उसमें ये ज़रूरी है कि वो स्टैंडर्डाइज्ड हो। अब स्टैंडर्डाइज्ड होने का क्या मतलब, एंड दूसरा, जब आप वो स्टैंडर्डाइज्ड होता है तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं। स्टैंडर्डाइज मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशंस है जिनको फॉलो करके ही आप टेस्ट क्वेश्चनेयर तैयार बना सकते हो। कुछ तो मार्केट में अवेलेबल है पहले से बने हुए, लेकिन कुछ रिसर्चर अपने खुद के क्वेश्चनेयर बनाते हैं व्हेन दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रीवियस क्वेश्चनेयर विच आर ऑलरेडी पब्लिश्ड, ठीक है। जो पहले से पब्लिश्ड क्वेश्चनेयर हैं उनको
उनको उनसे अगर रिसर्चर सेटिस्फाई नहीं होता तो खुद का क्वेश्चनर बनाता है, लेकिन अगर खुद का बनाया तो उसको अपने टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करना होगा। अब स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है, क्योंकि जब तक स्टैंडर्डाइज नहीं होगा आपका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। सो नंबर वन, यूनिफॉर्मली इन टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिफॉर्मिटी इन टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शंस एंड स्कोरिंग। जो आप टेस्ट को जब आप एडमिनिस्टर करते हो, एडमिनिस्टर मतलब पार्टिसिपेंट को देते हो करने के लिए, उसमें वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। नहीं कि आप आधा करने के बाद बोलो अच्छा अच्छा मैम दोबारा समझाती हूँ कैसे करते हैं, है ना। और क्वेश्चंस एक जैसे ही होने चाहिए, यानी कि कुछ आपने येस नो वाले दे दिया और एक कई में मल्टीपल क्वेश्चनर टाइप का दे दिया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। एक ही जैसी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे और भी बहुत सारी हैं, मैं तो एक एग्जांपल दे रही हूँ बस। इंस्ट्रक्शंस आपकी प्रॉपर होनी चाहिए ऊपर, जब टेस्टिंग आपने जब प्रैक्टिकल किया होगा आपने देखा होगा जो क्वेश्चनर होता है उसके ऊपर ना इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। इवन जब आप एग्जाम देने जाते हो तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसी तरह के इंस्ट्रक्शंस इसमें भी होते हैं। देन स्कोरिंग, स्कोरिंग भी आप सही से करो। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में सही आंसर देने पर 2 नंबर मिलेंगे और दूसरे क्वेश्चन में सही आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं कर सकते आप। सो वो उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। सेकेंड पॉइंट, रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट, वो रिलायबल है या नहीं है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे आपने उस टेस्ट को जितनी बार भी यूज किया उसने सिमिलर आंसर दिया है सेम क्लाइंट पे करने पर, तो वो रिलायबल माना जाएगा। ऐसा नहीं हो कि अगली बार किया तो भाई कुछ और रिजल्ट आ रहा है। वैलिडिटी का मतलब होता है जिस पर्टिकुलर बीमारी के लिए आपने टेस्ट बनाया उसी पर्टिकुलर बीमारी पे वो एप्लीकेबल है, यानी कि आपने किसी और डिसऑर्डर के लिए बनाया और किसी और डिसऑर्डर के लिए उस टेस्ट को यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते आप। एंड देन टेस्ट के जो भी नॉर्म्स लिखे हुए हैं ऑर्गेनाइजेशंस ने, उनको फॉलो करना। वो मैं आगे बताऊँगी कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें नॉर्म्स बताते हैं टेस्टिंग के। सो जब आप स्टैंडर्डाइज कर देते हो तो एक्यूरेट रिजल्ट आता है। मैं 3 बार बोल चुकी इसी चीज़ को, बट देन ये इम्पॉर्टेंट भी है। उससे क्या होता है कि जब आपके एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं सो उसको रेप्लिकेशन में वो आसान हो जाता है बिना बायसेस के। सो बायसेस हमारे उस पर अफेक्ट नहीं करते उस चीज़ को, क्योंकि सी अब हमारे सबके अपने अपने पर्सनल बिलीव्स होते हैं। हम चाहे साइकोलॉजिस्ट हैं, हमें बोला जाता है कि रैशनल रहना है, आपको बायस नहीं होना है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा खुद का स्वभाव कभी कभी हावी हो जाता है जब हम काउंसलिंग करते हैं या हम कोई टेस्टिंग करते हैं। हम एक पर्टिकुलर इंटेंशन से उधर इंक्लाइंड हो जाते हैं, तो वो जो इंक्लिनेशन होता है हमारा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने का, अपने बिलीव सिस्टम को थोपने का, उसको थोड़ा साइड रखना पड़ता है। तो अगर आपका टेस्ट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है तो दैट मीन्स आपने कोई बायसेस नहीं किए उस क्वेश्चन में। आपने नहीं किए मतलब कि उसके फर्दर कॉपीज़ या उससे ज़्यादा फिल्टरिंग उसको की जा सकती है, उसको और रिफाइन किया जा सकता है ना उस क्वेश्चन क्वेश्चनेयर को आगे जाके। सो इस तरह से हम बायसेस को हटा सकते हैं। नाउ असेसमेंट जब आप करते हैं सो उसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हम टेस्ट को देते हैं, है ना, और दूसरे सोर्सेस और उसका जो भी डाटा आता है उसको हम कलेक्ट करते हैं एंड देन बाकी सोर्सेस से भी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है टेस्टिंग और साइकोलॉजिकल असेसमेंट दोनों में फ़र्क है। सो जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है उसमें आपने क्वेश्चनेयर से तो टेस्टिंग कर ली, वो टेस्टिंग है, सिर्फ जो आपने टेस्ट किए हैं वो टेस्टिंग है। लेकिन अगर आपने दूसरे सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन निकाली है तो इट इज़ कॉल्ड असेसमेंट। तो असेसमेंट में दूसरे सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन को एड ऑन किया जाता है। सो हमें ओवरऑल पिक्चर किसी इंडिविजुअल की मिल जाती है। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, जब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं सो वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, यानी कि रेंडमली आपको आज एक क्वेश्चन आ गया, आपने कर दिया, आपने लिख दिया कि हाँ ये पूछेंगे, परसों आपको एक और आ गया तो आपने एक और लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। सो इसमें आपको जब भी आप जैसे सपोज बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी बहुत सारे टेस्ट एग्जिस्ट करते हैं, किस किस के टेस्ट पॉजिटिव साइकोलॉजी में एग्जिस्ट करते हैं, वो है होप, ऑप्टिमिज्म, वेलबींग, माइंडफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, ये वो कंस्ट्रक्ट्स हैं जो ऑलरेडी इसके ऊपर टेस्ट बन चुके हैं। सो जब भी आप टेस्ट बनाते हैं आपको एक और चीज़ चेक करनी होगी, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सोशियो कल्चरल जो सिटेबिलिटी है उस टेस्ट की, वो है या नहीं है। क्योंकि कई बार हम किसी कल्चर के अगेंस्ट जाके क्वेश्चनर नहीं बना सकते हैं, हमें बहुत सिंसियर होना पड़ेगा इस चीज़ को कि उसमें किसी के कल्चर या सोसाइटी के ऊपर गलत इंप्रेशन तो नहीं जा रहा है, वरना आपके टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। नाउ जो बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हम जब टेस्ट बनाते हैं उसमें हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, वो क्या क्या है। नंबर वन, आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। आपको वेरिएबल पहले डिसाइड करने होंगे कि आपके टेस्ट में कौन कौन से वेरिएबल हैं जो आपको डालना है,
दूसरा आपकी टारगेट पॉपुलेशन कौन होगी, एज ग्रुप कौन सा होगा, ये सारी चीज़ें आपको प्लानिंग के टाइम पे डिसाइड करनी पड़ेगी। सेकेंड स्टेप आता है राइटिंग द टेस्ट आइटम्स। जब आप टेस्ट आइटम लिखते हो तो आपको वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे उस टेस्ट के वो आपको बताना पड़ेगा, और जो भी आइटम्स उस चीज़ से, उन कंपोनेंट्स या वेरिएबल से रिलेटेड है वो आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप है फाइनलाइजिंग द टेस्ट आइटम्स। जब आपने पूरा टेस्ट वगैरह लिख लिए, क्वेश्चन आइटम्स लिख दिए टेस्ट के, अब आप रिव्यू करोगे और एक्सपर्ट्स का भी फीडबैक लोगे कि आपके आइटम्स ठीक हैं कि नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है प्रीलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन। अगेन आई थिंक ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको भी पिंक से हाईलाइट कर दूँ। देखो पढ़ाते पढ़ाते भी पता चल जाता है कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्रिलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन ये होता है, एक पायलट सैंपल लेते हैं आप, छोटा सा सैंपल लेते हैं, जब एक्सपर्ट आपका चेक कर लेते हैं कि आपने टेस्ट ठीक किया, उसके बाद आप रिव्यू के बाद, एक्सपर्ट रिव्यू के बाद आप इसको एक सैंपल, छोटा सा सैंपल लेके, उसको बोलते हैं पायलट सैंपल, उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। क्यों करना ज़रूरी है? ऑब्वियसली जब आप टेस्टिंग करते हो, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक एग्जांपल दिया था, आपने कोई न्यू डिश डिस्कवर की है, आपने कुछ नई रेसिपी तैयार की है एंड आपको लगता है कि पता नहीं ठीक बनी होगी कि नहीं, तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा बनाते हो, टेस्ट करते हो, टेस्टिंग करवाते हो एक दो लोगों से, जब वो लोग पास कर देते हैं तब आप लार्ज स्केल में उसको बनाना शुरू कर देते हो। इसी तरह से बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई हैं जब आप उनकी रेसिपी हिट हो जाती है। सो पहले हमें पायलट सैंपल पे काम करना पड़ता है, और इससे हम ये चेक करते हैं कि पार्टिसिपेंट्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही लैंग्वेज समझने के लिए, वो क्या लैंग्वेज इजी, बहुत इजी तो नहीं बन गया ये टेस्ट कि भाई फट से कर दिया बिना सोचे समझे, एंड कितना टाइम कंप्लीट करने में लग रहा है, आप क्या जो इंस्ट्रक्शंस है वो क्लियर हैं, क्या वो समझ पा रहे हैं जो आपने बताया है, कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं है, एम्बिग्यूटी मतलब कन्फ्यूजिंग तो नहीं है टेस्ट। सो इन सब पे बेस्ड आप फिर से टेस्ट को रिवाइज करते हो, उसमें कुछ चीज़ें डिलीट करते हो, कुछ एडिशन करते हो, कुछ मॉडिफिकेशंस करते हो, एंड देन आपका एक अच्छा सा टेस्ट तैयार हो जाता है। जब ये ऐसा हो जाता है तब आप फाइनल एडमिनिस्ट्रेशन करते हो, यानी कि आप अब बड़ा सैंपल लेते हो पॉपुलेशन का एंड जो उस एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, एंड उसके ऊपर आप टेस्टिंग करते हो, और जब टेस्ट आपका डेवलप हो जाता है तो आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो आइटम एनालिसिस आप करेंगे, एंड देन उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स की टेस्टिंग करके उसको, उसकी एक मैनुअल प्रिपेयर कर देंगे। फाइनल होता है टेस्ट मैनुअल प्रिपरेशन, मैनुअल इसकी प्रिपेयर कर लेते हैं एंड फिर उसको पब्लिश करा देते हैं कि कैसे कैसे ये टेस्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे स्कोरिंग करेंगे, सब कुछ। नाउ कमिंग टू अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एथिकल गाइडलाइंस इन रिसर्च। बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एथिकल गाइडलाइंस, और ये एक सबसे बड़ी जो कोड ऑफ एथिक्स, फर्स्ट प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स जो था वो हिपोक्रेटिक ओथ है, जो सबको पता है कि मेडिकल प्रोफेशनल सब लेते हैं इसको, ये 400 BC के अराउंड लिखी गई थी। सो अब तक इसको फॉलो किया जा रहा है। नाउ एथिक्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं कभी भी जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, और क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप फेयरनेस एंड जस्टिस को एंश्योर करते हो, आप एक ईमानदारी से काम करने के लिए इंस्पायर्ड होते हो, या ये गाइडलाइन है कि आपको करना ही है, ऐसा ही करना है जो एथिक्स बोलते हैं। सो एथिक्स एक स्टैंडर्ड है कंडक्शन का, आप जो भी अपना जब सेशंस लेते हो, काउंसलिंग करते हो, तब आपको कौन से गाइडलाइंस को फॉलो करना है। एक नॉर्मेटिव गाइडलाइंस भी हैं इसमें, जिसमें हम रिसर्चर का बिहेवियर, पार्टिसिपेंट और जो रिसर्चर है उनके बीच का रिलेशनशिप किस तरह का होना चाहिए, एक प्रोफेशनल एंड एक आपके पास जो पार्टिसिपेंट आया, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि सिंस हम किसी के इमोशंस को सुनते हैं, जब एज अ काउंसलर जब आप प्रैक्टिस करते हैं आप किसी के इमोशंस को सुनते हैं, सो वो इंसान किसी ना किसी तरह आपसे इमोशनली कनेक्ट हो जाता है, और बेसिकली सबसे पहले इमोशनली कनेक्ट होने से पहले वो आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देता है, तभी वो आपको इमोशनली ओपन होके अपने फीलिंग्स एंड अपने बारे में बताता है। अब उस टाइम पे आपको कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है अपने क्लाइंट के साथ, कितना आपको इन्वॉल्व होना है, टच नहीं अलाउड है पार्टिसिपेंट के साथ, तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, सो दैट आप उसको बेनिफिट तो कर सके लेकिन उसका मिसयूज़ ना कर सके, क्योंकि कभी कभी प्रोफेशनल्स को भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं सामने वाले के इमोशंस को देख के, वो नहीं होना है। सो ये एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, कितने डिस्टेंस पे आपको बैठना है,
किस स्टाइल में बैठना है, कितनी किस लैंग्वेज पे बात करनी है, ये सारी चीज़ें एथिक्स में आती हैं। तो ये जो एथिकल गाइडलाइंस हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं नॉलेज ग्रोथ ऑफ नॉलेज इन द फील्ड। तो जब आप फॉलो करते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको बहुत सारी और भी चीज़ें पता चलती हैं जो गाइडलाइंस के अंदर आती हैं। कुछ पहले से लिखी हुई हैं गाइडलाइंस और कुछ करते करते हमारे को अपने आप ही पता चल जाती है कि ये भी एथिक्स के ही अंडर आता है। तो पार्टिसिपेंट कोलैबोरेट करता है पहले रिसर्चर के साथ, तभी वो इस नॉलेज में एड ऑन कर पाएगा रिसर्चर, राइट? नहीं तो अगर कोलैबोरेट नहीं होगा पार्टिसिपेंट के साथ, तो फिर कैसे करेगा, मुश्किल है। जब ऐसा होता है, जब पार्टिसिपेंट आपके साथ रिसर्चर के साथ बेसिकली या प्रोफेशनल के साथ डिस्कशन कर रहा है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, या ट्रीटमेंट के लिए भी आया है और आप उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, आपको ये इंश्योर करना है कि पार्टिसिपेंट का वेलफेयर के ऊपर ध्यान देना है कि उसकी सुरक्षा, उसकी वो कंफर्टेबल फील कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी उसके अंदर आती हैं चीज़ें। एथिकल गाइडलाइंस जो हैं डाटा कलेक्शन में भी हेल्प करती हैं, हमें गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं, एंड जब हम रिपोर्ट करते हैं फाइंडिंग्स को तो भी हमें फॉलो करनी पड़ती है। और बहुत सारे स्टेजेस में इन्होंने यहाँ बताया, जैसे फर्स्ट स्टेप आपका रिसर्च का क्या होता है, चूजिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, यहाँ पे एथिकल गाइडलाइंस एग्जिस्ट करती हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। कंडक्टिंग अ लिटरेचर रिव्यू, इसमें कोई एथिकल गाइडलाइन नहीं है। डेवलपिंग अ हाइपोथीसिस, इसमें भी कोई गाइडलाइन नहीं है। डिजाइनिंग द स्टडी, इसमें एथिकल गाइडलाइंस होती हैं। कंडक्टिंग दी स्टडी, इसमें भी एथिकल गाइडलाइंस एग्जिस्ट करती हैं। एनालाइजिंग दी डाटा, इसमें भी एथिकल गाइडलाइंस एग्जिस्ट करती हैं। रिपोर्टिंग दी रिजल्ट, इसमें भी एथिकल गाइडलाइंस एग्जिस्ट करती हैं। मतलब कि सिर्फ दो स्टेप में नहीं करती, ये लिटरेचर रिव्यू एंड हाइपोथेसिस डेवलपमेंट, इसमें नहीं करती, बाकी सब जगह करती हैं। नाउ कुछ इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने बीच में बताया था अभी पढ़ाते हुए कि कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमें गाइडलाइंस के बारे में बताते हैं, तो ये इंस्टीट्यूशनल एथिक्स रिव्यू बोर्ड है, IERB, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स रिव्यू बोर्ड। वो किसका है? यूनिवर्सिटी का है, जो रिसर्च प्रपोजल को चेक करता है, एग्जामिन करता है कि वहाँ एथिकल गाइडलाइंस फॉलो की गई हैं कि नहीं ड्यूरिंग दी रिसर्च। तो ये वो बोर्ड है जो हमारी एथिकल गाइडलाइंस को चेक करता है कि हमने रिसर्च करते टाइम गाइडलाइंस फॉलो की या नहीं। बड़े बड़े जर्नल्स होते हैं जहाँ पे हमारी रिसर्चेस पब्लिश होती हैं, हमारी मतलब जिन्होंने PhD किया है और वो रिसर्चेस करते हैं। किसी ने PhD किया है तब तो उसको एक रिसर्च करनी ही करनी होती है, तो कंपलसरी है। बट देन एक बारी जब आपने PhD कर चुके हो तो आपके पास पूरा राइट होता है कि आप बहुत सारी रिसर्चेस कर सकते हो, यू आर फ्री बर्ड नाउ, एंड आपको अब कोई एग्ज़ाम नहीं देना, लेकिन आपको आप लायबल होते हो कि आप बहुत सारी रिसर्चेस कर सकते हो। बट देन आपने रिसर्च की तो उसका बेनिफिट क्या हुआ, आपने दुनिया तक कैसे पहुंचाया? दुनिया तक पहुंचाने के लिए जर्नल्स होते हैं, जर्नल्स बहुत सारे लोग पब्लिश करते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, एंड आपको अपनी रिसर्च वहाँ भेजनी होती है। वो पढ़ते हैं, वो चेक करते हैं, वहाँ पे भी एक्सपर्ट बैठे होते हैं, जब वो पढ़ते हैं और चेक करते हैं उनको अच्छा लगता है कि हाँ ये चीज़ है जो पब्लिश होनी चाहिए जर्नल में, देन दे पब्लिश इट। सो ये इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है। तो स्टैंडर्ड रेप्यूटेड जर्नल्स जो होते हैं वो भी चेक करते हैं कि आपने एथिकली इस पे काम किया है या नहीं। एथिकल क्लियरेंस जब मिल जाती है तभी वो वहाँ पे पब्लिश करते हैं। नाउ कमिंग टू पर्पस ऑफ एथिकल गाइडलाइंस, क्या पर्पस होता है, क्यों हमें एथिकल गाइडलाइंस की ज़रूरत है, क्या 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 होगा उससे, क्या हमें हासिल क्या होगा? हमें ये हासिल होगा कि हम पार्टिसिपेंट, हर एक पार्टिसिपेंट जो आपकी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि आपका क्लाइंट, वो उसके सारे राइट्स इंटैक्ट है कि नहीं, आप इंश्योर कर रहे हो उसके राइट्स या नहीं, ऐसे तो नहीं आप उसको बुली करने लगे हो या आप उसको मैनिपुलेट करने लगे हो, इसका आपको ध्यान देना है। सेकंड, फोकस ऑन द वेलफेयर ऑफ द पार्टिसिपेंट, क्या वो कंफर्टेबल फील कर रहा है उसके वेलफेयर, उसका कोई ऐसा तो नहीं है कि वो अपना नौकरी छोड़ के आपके पास बैठा है और आपके काम कर रहा है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसका नुकसान ना हो। जब वो फ्री हो तभी आप उससे कनेक्ट हो, अगर आप उसको बेनिफिट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर यू विल हैव टू पे देम। कॉजिंग नो हार्म टू द पार्टिसिपेंट, आपको पार्टिसिपेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है किसी भी तरीके से, इवन इमोशनली भी आपको उसको परेशान नहीं करना है। देन मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड द डाटा रिलेटेड टू द पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट का नाम, पता, उम्र, शक्ल, ये चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की जाती, यानी कि आप उसका डाटा ले सकते हो
उसका ये नाम वगैरह हमें हटाना पड़ता है या छुपाना पड़ता है, हाँ वो कॉन्फिडेंशियल होता है। तो वो आपको कितना कॉन्फिडेंस, सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखना है उस पार्टिसिपेंट की, ये आपकी जिम्मेदारी है, चोरी नहीं होना चाहिए उसका डेटा। नेक्स्ट इज एम्फेसाइजेज एडियरेंस टू द प्रोफेशनलिज्म बाय द रिसर्चर, और आपको प्रोफेशनलिज्म से एडियर करके रखना है, आपको इन्वॉल्व नहीं होना किसी भी तरीके से पार्टिसिपेंट के साथ। देन रिसर्चर जो है वो फोकस करेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, फेयरनेस को प्रमोट करेगा, क्रेडिबिलिटी जो है उसको बनाए रखेगा उस फील्ड की, एंड उस डिसिप्लिन की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट भी करेगा। नाउ कमिंग टू लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, जिसमें मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें बहुत सारे पिंक हाईलाइट दिख रहे होंगे आपको, ये एग्ज़ाम में आता ही आता है, 3 मार्कर में या 6 मार्कर में भी आ सकते हैं ये सारे पॉइंट। तो एथिकल आस्पेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, जो पॉइंट्स आपको रखना है, फर्स्ट है इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट। इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट क्या बोलता है कि आपको जो भी आप रिसर्च कर रहे हो आपको पार्टिसिपेंट को बताना है, और उसका रिटर्न कॉन्सेंट मतलब रिटर्न में साइन लेने हैं कि उसको पता है कि रिसर्च कैसे चल रही है और क्या हो रहा है रिसर्च में, और उसका कहाँ रिक्वायरमेंट है इस रिसर्च में। आप चाहे पूरी रिसर्च ना बताओ, लेकिन जहाँ जहाँ उसका रोल है वो आपको उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा और उससे सिग्नेचर लेना पड़ेगा। पार्टिसिपेंट को पूरा हक होता है कि वो कभी भी रिसर्च को छोड़ दे, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि तुम्हें करना पड़ेगा। अगर वो बोलता है कि मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना, अब आगे वो विड्रॉ करना चाहता है, तो दैट पार्टिसिपेंट इज़ फ्री, उसके ऊपर कोई आप केस नहीं लगा सकते। नेक्स्ट सेकेंड इज कॉन्फिडेंशियलिटी, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ बता दिया पहले कि सारा जो डाटा रिलेटेड उसको आपको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शन ज़रूर बता दूँ जो मैंने नहीं बताया था, जो इसका डाटा है वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस पे आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। कब? नंबर वन, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टिसिपेंट अपनी लाइफ के लिए थ्रेट है, खुद की लाइफ के लिए थ्रेट है, या किसी और की लाइफ के लिए थ्रेट है, या लॉ ने आपको बोला है कि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब आपको इन 3 केसेस में डिस्क्लोज करना पड़ता है, आपको कहीं पर भी खतरा महसूस होता है तो। नेक्स्ट इज डिसेप्शन एंड डीब्रीफिंग। डिसेप्शन का मतलब होता है कभी कभी जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम जिन टॉपिक्स पे रिसर्च कर रहे होते हैं वो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि मे बी हमें ये खतरा होता है कि वो जो हमारा पार्टिसिपेंट है वो बायस हो जाएगा, या वो डिज़ायरेबिलिटी इफ़ेक्ट का मतलब होता है सोसाइटी के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली बढ़िया वाले आंसर देना, इंस्टेड ऑफ जस्ट रियल होना, वो सोसाइटी जैसा चाहती है वैसा बोल देता है। तो ये इससे बचने के लिए हमें कभी कभी अपने रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव छुपाना पड़ता है। डीब्रीफिंग का मतलब होता है जब आपकी रिसर्च हो गई, आपने पार्टिसिपेंट का सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया जो भी वो देना चाहता था, ऑनेस्ट रिजल्ट्स ले लिए, उसके बाद आप पार्टिसिपेंट को बता सकते हो कि भाई रिसर्च तो इस चीज़ के लिए हमने की थी और हमें ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए था, इसीलिए हमने आपसे मेन मकसद छुपाया। नाउ बेनिफिशेंस का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हमें वेलफेयर के बारे में काम करना होता है, उसके बेनिफिट के बारे में सोचना होता है पार्टिसिपेंट, तो बेनिफिशेंस बेनिफिट इस तरह से आप रिकॉल कर सकते हो इसका क्या मतलब है। नॉन मैलिफिसेंस मतलब कोई भी हार्म ना करना पार्टिसिपेंट को, कोई भी माल ट्रीटमेंट नहीं करना, तो मैली से माल ट्रीटमेंट इस तरह से आप याद रखना, और नॉन मतलब नहीं करना है ना, माल ट्रीटमेंट नहीं करना है, नो कोई हार्म नहीं पहुंचाना है जब आप रिसर्च कर रहे होगे। नेक्स्ट इज रिस्क बेनिफिट रेशो। जब रिसर्च आप करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस रिसर्च से आपका बेनिफिट ज़्यादा हो और रिस्क उसमें कम हो पार्टिसिपेंट की, मतलब पार्टिसिपेंट का से बेनिफिट आपको ज़्यादा मिले लेकिन उसको, पार्टिसिपेंट को रिस्क नहीं होनी चाहिए। और अगर छोटी मोटी रिस्क है पार्टिसिपेंट के लिए लेकिन वो सिग्निफिकेंट है रिस्क लेना, तब ठीक है, लेकिन आपको ये श्योर इंश्योर करना है कि रिस्क कम होनी चाहिए, बेनिफिट ज़्यादा होना चाहिए पार्टिसिपेंट के लिए। कोड ऑफ एथिक्स जो है वो APA ने भी डाले हुए हैं, जो आप APA की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। APA का फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये हमें कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है जब हम रिसर्च करते हैं रिसर्चर्स के लिए। तो जनरल प्रिंसिपल्स जो एथिक्स के हैं वो 5 ब्रॉड हेडिंग्स में है। 5 ब्रॉड हेडिंग्स कौन कौन सी है? प्रिंसिपल A है बेनिफिसेंस एंड नॉन मैलिफिसेंस, ऑलरेडी आप समझ चुके हो मीनिंग। प्रिंसिपल B है फिडेलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब धोखेबाजी नहीं करना, जिम्मेदारी से काम करना है, अपनी ब्रांच से भी धोखेबाजी नहीं करनी है। प्रिंसिपल C इंटीग्रिटी, आपको इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखनी है। प्रिंसिपल D जस्टिस,
ये तो आपको पता ही है जस्टिस का क्या मतलब होता है, प्रिंसिपल ई रेस्पेक्ट फॉर पीपल्स राइट एंड डिग्निटी, इसका भी पता ही है आपको मीनिंग। तो ये फाइव ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिसमें जो एथिकल गाइडलाइंस है, एथिक जनरल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स माने जाते हैं, तो ये बताया ए बी सी डी ई। नाउ एथिकल स्टैंडर्ड्स को डिटेल हमें अगर डिटेल में 10 कैटेगरीज में दिया है, कॉम्पिटेंस ऑफ और उसमें वो कौन कौन सी हैं, कुछ कैटेगरीज इन्होंने यहाँ पे भी बताई है 10 कैटेगरीज में से कौन सी है एथिकल स्टैंडर्ड्स में जो लाई करती हैं। वो है कॉम्पिटेंस ऑफ प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स कितने कॉम्पिटेंट है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू रिसर्च कितनी है उनको, एंड देन पब्लिकेशन असेसमेंट थेरेपी, ये सारी चीज़ें 10 में से कुछ ये हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट NAOP, नेशनल एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट, ये एक नेशनल बॉडी है इंडिया में जो फील्ड ऑफ साइकोलॉजी की है। ये भी एडवोकेट करते हैं कि एथिकल गाइडलाइंस से आपको एडहेयर करना है सो दैट आप डिग्निटी एंड वेलबींग जो पार्टिसिपेंट का है, उस इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो रिसर्चर्स की होती हैं उनको मेंटेन करके रख सकें, ठीक है। तो ये एथिकल गाइडलाइंस ये भी बताता है, तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट यूनिट 2। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता चल गए होंगे कि कौन कौन से आपको अच्छे से तैयार करने हैं। एंड आई थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ विद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। बाय बाय।